ये LG की 22 इंच की LED TV है। इसमें इसका मॉडल नंबर यहाँ पर है। ये इसमें प्रॉब्लम क्या है इसको हम दिखाते हैं। इसमें एडाप्टर से इसकी सप्लाई देते हैं, उसके बाद देखिए प्लेन डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नो डिस्प्ले है। इसके लिए सबसे पहले इसमें जो टेस्टिंग होगी इसकी, उसको यहाँ पर दिखाते हैं। सबसे पहले पैनल के वोल्टेज चेक करने होंगे, उसके लिए यहाँ पे मल्टीमीटर को DC वोल्ट के रेंज में रखने हैं। और यहाँ पे पैनल के LVDS के सॉकेट पे यहाँ पर देखेंगे पिन नंबर एक पे, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं। ये पैनल की सप्लाई, यानी इस पैनल की सप्लाई यहाँ से जाती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका पॉइंट कहाँ से कनेक्ट है इसको देखते हैं। इसके लिए एडाप्टर को निकाल देंगे, इसको कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे। इसके बाद यहाँ से यानी Q703 पे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये है ड्रेन, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं। इसके बाद इसके सोर्स पे देखिए 5 वोल्ट, फिर यहाँ गेट पे, फाइव वोल्ट शो कर रहा है। यानी यहाँ से ये जो गेट की सप्लाई है, और आगे से दिखाते हैं, ये यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट है और यहाँ देखिए नेगेटिव है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर देखें, इसकी बेस पे 0.62, फिर इसके एमीटर पे 0 वोल्ट, यानी नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे कलेक्टर से आउट हो रही है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पर जा रही है। यानी यहाँ पर जो देखें, ये रेजिस्टेंस जो है ओपन है, ठीक है। ये पैनल की सप्लाई यहाँ पर जाती है यहाँ से Q703, ठीक है। और इसका गेट यहाँ से कनेक्ट है, फिर इसका जो है सिस्टम से एक कमांड आता है। यहाँ से कमांड आने के बाद ये जो ऑन होता है, ऑन होने से इसके गेट पे ऑन सिग्नल जाएगा, फिर ये जो है यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये पैनल पर चला जाएगा। इससे चलिए हम चेंज करके देखते हैं, इसकी वैल्यू आपको दिखा दें। अब यहाँ देख सकते हैं कि LVDS के इस पॉइंट पे पिन नंबर 1 से
इसको 4.85 वोल्ट मिलने लगा। ठीक है, अब ये डिस्प्ले आ गया। यहाँ पर देखें, ये डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं जो इसका एक रेजिस्टेंस ही फॉल्ट था वो यहाँ पर दिखा दें। इस जगह पे जो इसका कोड है ये है Q702। यहाँ पे 0.048684। अब रेजिस्टेंस के इस पॉइंट पर देखेंगे, इसका रेजिस्टेंस का लोकेशन है R744 यानी 744। इस पे जो है 0.90। ठीक है, अब यही यहाँ पर आएंगे तो ये इसके बेस पे यहाँ पे 0.89 शो हो रहा है, और यहाँ पे जो इनपुट सप्लाई हो रही है ये 5 वोल्ट हो रहा है, और पैनल को जो सप्लाई जा रही है 4.9 वोल्ट जा रहा है। ठीक है, अब इसी कंडीशन में अगर हम इसको रिमोट से ऑफ करते हैं, ऐसे रिमोट से ऑफ करेंगे तो देखिए ये 0 वोल्ट हो गया। अब इस कंडीशन पे इनपुट पे जो सप्लाई मिल रही थी ये भी ड्रॉप, और यहाँ से जो ऑन ऑफ हो रहा था यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यानी ये जो रेजिस्टेंस है इसको लगाने के बाद जैसे अभी हम ऑन करते हैं मल्टीमीटर पर देखें 5 वोल्ट हो गया, फिर ये जो है जैसे सिस्टम से कमांड गया जैसे ये 0.94 दिखाई, और अब यहाँ पर देखें जहाँ पे पहले 5 वोल्ट शो कर रहा था अब यहाँ पे 0.89 शो कर रहा है, और पैनल के वोल्टेज को पैनल की जो सप्लाई है वो जा रही है 5 वोल्ट।